हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। डीटीयूपी रिजल्ट को लेकर आज एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आज होगा आपके रिजल्ट का डाटा एनालिसिस। क्या है पूरी अपडेट, सचिव जी से खुद बात करके यहां पर ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बच्चों वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि किन बच्चों को पास आउट किया जाएगा। तो जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे क्लिक कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको रिजल्ट से रिलेटेड और अपडेट आएगी, रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको दे सकूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के, जो अपडेट्स निकल के आई है उसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल लाइव शो होता होगा, देख सकते हो जावेद मुस्तफा सर ने अभी अभी एक घंटे पहले ट्वीट किया है, आप देख सकते हो उसमें बताया जा रहा है पॉलिटेक्निक है ना, छात्रों की समस्याओं को देखते हुए बीटीयूपी सचिव से बात की ताकि कम से कम अंतिम सेमेस्टर वालों का परिणाम 2 सितंबर से पहले जारी किया जा सके। बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि 24 को डाटा दिखवाया जाएगा। 24 मतलब आज है ना, आज ही तो 24 तारीख है, तो आज आपका डाटा दिखवाया जाएगा, रिजल्ट का डाटा एनालिसिस होगा, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। संभव है कि संभव कोशिश की जाएगी कि छात्र एसएससी जेई के आवेदन से वंचित ना रह जाएं। तो आप लोग परेशान ना हो, भगवान से दुआ करो। हालांकि सचिव जी ने बोला है कि आपका रिजल्ट का एनालिसिस आज होगा और हो सकता है कि जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट 2 सितंबर से पहले अनाउंस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सारे बच्चों का अनाउंस हो जाए, क्योंकि ये बीटीयूपी बोर्ड है, करता कुछ और है और कहता कुछ और है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कह रहे हैं कि सेकंड वीक में देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट पहले भी आ जाए। अब जैसी कोई और अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए आपको पता है बीटीयूपी बोर्ड कुछ भी कर सकता है, इसको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोला जाता है, लेकिन ये कुछ भी कर सकता है कि आपका रिजल्ट 2 सितंबर से पहले जारी करने की बात उन्होंने बताई है। बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि 24 यानी आज डाटा एनालिसिस होगा, जिससे बच्चे मतलब जेई का फॉर्म भरने से वंचित ना रह पाएंगे, मतलब फॉर्म भर पाएंगे। ये अपडेट हमारे जावेद मुस्तफा सर ने दी है। उसी के बाद मैं आपको बता दूं, अब देखिए बच्चे कमेंट कर रहे थे इनको लेकर, लास्ट ईयर के रिजल्ट में हर स्टूडेंट पास हो जाएंगे ना। देखिए इन्होंने बताया जिसने सही लिखा होगा वो पास होगा या नहीं, जिसने गलत लिखा होगा गलत लिखने पर भी पास हो जाएंगे, इन्होंने ऐसा बताया है। जरूरी नहीं कि जिसने सही लिखा होगा भाई पास होगा, एटलीस्ट आपकी कॉपी फिल पूरी भरी होनी चाहिए तभी आपकी बैक नहीं लगेगी, एटलीस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपका मिलना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों ये है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिखा है तो उसमें से 90% आपका क्वेश्चन मैच करना चाहिए कि हाँ आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज की है। तो इसको लेकर यही मान के चल सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो मैंने बता दिया कि 2 से पहले आने के चांसेस बन सकते हैं, आज आपका डाटा एनालिसिस होगा। अब जैसे और मतलब कल परसों जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। अब यहां पर देखिए पॉलिटेक्निक में प्रवेश के जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, प्रवेश परीक्षा वाले, उनका देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल का इंतजार है, लेकिन परेशान नहीं हो, जो काउंसलिंग वाले बच्चे हैं अभ्यर्थी सबको प्रवेश मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में इस बार 80% लोगों ने कम परीक्षा दी है। कहने का मतलब 80% 80,000 से लोग मतलब सीट मतलब कम परीक्षा दिया, ऐसा इन्होंने बताया है। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो पॉलिटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा AICTE का वेतन मान, 40% तक हो सकती है वृद्धि इनके वेतन में। ये जो पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए अपडेट है, फिलहाल आपके लिए नहीं है, तो ये ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो शिक्षक है उनको मतलब वेतन है वो ज्यादा दिया जाएगा और 2018 के वेतन अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको लेकर जो भारी मतलब 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद 16 मार्च 2020 को शासन आदेश किया गया था, इसमें NICTE के द्वारा 2019 में जो वेतन आयोग स्टाफ को वेतन दिया जाता है इसके लिए जो आपका है ना संशोधन उसको कर दिया गया है, पत्र लिखा गया था मैंने कल आपको बताया था। और उसको लेकर जो प्राथमिक शिक्षा परिषद है उनका कहना है कि इसमें भ्रम की स्थिति में पैदा हो गई है, जिसको लेकर अभी वित्त पर मामले में उच्च स्तरीय बात चल रही है, वहां से सहमति मिलने के बाद 21 अगस्त से इस संबंध में शासन आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मतलब जो पॉलिटेक्निक के शिक्षक हैं उनको जो AICTE के रिगार्डिंग अब वेतन दिया जाएगा, तो कम 40% वृद्धि हो सकती है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है।
तो बच्चों अब हम बात करेंगे जॉब्स के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने टेलीग्राम पर ही अभी रिसेंटली एक पोस्ट डाला है, UPRVUNL में मौका लेकर रहा है। जो बच्चे फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं उनके लिए देख सकते हो यहाँ पर डिप्लोमा होना जरूरी है और इलेक्ट्रिकल सिविल और फार्मेस्टिक यहाँ पर बता जा रहा है कि यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं जाके इसमें आवेदन कर सकते हो 19 सितंबर तक, है ना, 19 सितंबर तक ये वेबसाइट पे आवेदन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इससे पूरा पोस्ट पढ़ना है तो टेलीग्राम पर जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो BSF की भर्ती आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो BSF की जो वैकेंसी आई है वो 10th क्लास के लिए आई है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारी अपडेट है वो टेलीग्राम पर पब्लिश कर दी है, तो आप लोग वहां से इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर भी देता रहता हूँ, तो आपको टेलीग्राम को बेटा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने जो बताया है कि आज डाटा का एनालिसिस होगा, आपका रिजल्ट 2 तारीख से पहले आने के चांसेस बन सकते हैं। भगवान से प्रे करो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए और जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आज की स्टूडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।